नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में कार मालिक ने गुस्से में पेट्रोल डालकर के अपनी कार जला दी है। उसने कार को फाइनेंस कराया था, लेकिन किस्त नहीं बढ़ने पर रिकवरी टीम ने कार को लिफ्ट कर दिया। जब टीम गाड़ी को ले जा रही थी, तभी कार मालिक आ गया और उसके हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी। उसने कार में वहां आग लगा दी और कुछ ही देर में कार आग को गोला बन गई है। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और हालात पर अभी भी काबू पाया जा रहा है, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। छठ पूजा के बाद बिहार समेत पूर्वांचल से प्रदेश भर में काम पर वापस लौटने वाले लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि लोगों को छठ महापर्व के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ट्रेनें पूर्व मध्य रेल और उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, तो अगले कुछ दिन आपके घने स्मोग के कारण सामना करना पड़ सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में पहली बार धुंध की एक मोटी चादर अगले 7 दिनों तक पूरे इंडो गैजेटिक प्लेट में देखने को जाएगी। इस धुंध का प्रमुख कारण दिवाली पर जलाए गए पटाखे और पराली जलाने से निकला धुआं और बदलता मौसम है। इस साल पिछले 4 सालों के मुकाबले पराली का धुआं सबसे कम दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करी है और अब जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई। राजस्थान में आखिरकार बजरी खनन से रोक हट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑल राजस्थान बजरी ट्रक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने खनन मामले में सेंट्रल एक्सपायर्ड कमेटी की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं, तो जल्दी प्रदेश में अब वैध बजरी खनन शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले में वैध खनन गतिविधियों को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में मौसम में मामूली उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। जयपुर, सीकर, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर समेत कई शहरों में आज न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय बने रहने के कारण उत्तरी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मैदानी इलाकों में तापमान स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग से जारी रिपोर्ट को देखें तो आज रेगिस्तानी शहर जैसलमेर में 3.5 डिग्री सेल्सियस गिर करके 15.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव में कमी की है। इसके बाद में राज्य सरकार ने वैट और टैक्स में कमी करने से मना कर दिया था। इसके विरोध में विपक्ष कांग्रेस को घेरे हुए है और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी गुरुवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी करने पर मांग करी है और आक्रोश रैली भी निकाली है। कार्यकर्ता डाक बंगला से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी भी की है। सचिन पायलट खेमे की बाड़ेबंदी में रहे सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंत्रियों पर तंज कसते हुए मंत्रिमंडल देरी पर भी सवाल उठा दिए हैं। सरदार शहर में SBD PG कॉलेज में समारोह में भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप कब मंत्री बनोगे, आपका नाम मंत्री बनने की लिस्ट में कब आएगा। मैं उन्हें बताता हूं कि बुढ़ापे में शादी किस काम की। मैं 7 बार विधायक रह चुका हूं, 2 साल बाद चुनाव है और राजस्थान के मंत्री यूं ही रोते फिर रहे हैं। मेरे खूब काम ऐसे ही हो जाते हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।